धर्मवीर का नाम लेने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आनंद दिव्य जी एक ईमानदार निष्ठावान शिव सैनिक रहे हमेशा, बाला साहब ठाकरे के साथ उनकी वफादारी रही। उनके मुंह से जो झूठ ये लोगों ने फैलाया है, उनको एक सत्य का मुलामा देना ये गलत है। ऐसे सिनेमे आते हैं चले जाते हैं, ऐसे बहुत सिनेमे आए ना, बीजेपी स्पॉन्सर्ड, ताशकंद फाइल, क्या कश्मीर फाइल्स, ऐसी बहुत सी फाइल्स आई और बंद हो गई। लोगों ने पैसा कमाया, चला गया। धर्मवीर का नाम लेने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आनंद दिव्य जी एक ईमानदार निष्ठावान शिव सैनिक रहे हमेशा, बाला साहब ठाकरे के साथ उनकी वफादारी रही। ऐसे आनंद दिव्य जी का नाम लेकर कोई राजनीति करता है तो बेईमानी है। उनके नाम से सिनेमा निकालना और उनके मुँह से जो झूठ ये लोगों ने फैलाया है, उनको एक सत्य का मुलामा देना ये गलत है। ऐसे सिनेमे आते हैं चले जाते हैं, ऐसे बहुत सिनेमे आए ना, बीजेपी स्पॉन्सर्ड, ताशकंद फाइल, क्या कश्मीर फाइल्स, ऐसी बहुत सी फाइल्स आई और बंद हो गई। लोगों ने पैसा कमाया, चला गया। सर, चुनाव को नजर रखते हुए ये मूवी बनाई, ये चुनाव का ही है। ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान लोगों को ईमानदार आनंद दिव्य जी का नाम लेने का कोई हक नहीं है। आनंद दिव्य जी ने हमेशा बाला साहब ठाकरे के साथ वफादारी रखी, उनके हिंदुत्व को आगे लेके गया। बाला साहब ठाकरे और आनंद दिव्य ये गुरु शिष्य की जोड़ी थी, ठीक है।